और नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं शंभू कुमार सस्तक से। आज हम बताने जा रहे हैं जो सातवीं चरण बहाली जो शिक्षक अभियुक्ता आप लोग देख रहे हैं, इतने बेचैनी ये लोग फील कर रहे हैं और सरकार जो कानों में तेल डालकर सोने का जो काम कर रही है। इस बीच हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षक तो हैं ही और एक संगीत के टीचर भी हैं, और अपने संगीत के माध्यम से सरकार को हर एक रूप से सुनाने का और कुछ गा के बताना चाह रहे हैं। जो हमारे शिक्षक सर हैं उनसे चलिए हम एक गाना की एक जो बोल है, सुंदर बोल, जो शायद इससे भी कुछ सरकार के कानों में आवाज़ जाए और सरकार जरा सुने और इतनी जगे और इतनी गर्मी में थोड़ा सा जगे। हूँ जो सोए हुए सोने के हाँ एसी में सोए हुए देख लीजिए कंड पंखा घुमाइए भाई, बहुत बहुत सारे लोग का, बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों का मैंने सुना है तो गर्दन पकड़ के गर्दनी बाग से उसको हटा देंगे। बहुत सारे उसके ऑफिस में एक मिनट भाई, बहुत सारे यूट्यूबर भाई को मैंने देखा है जो शिक्षक लोग आए हुए सोए हुए हैं, एक घंटा रह के देखिए सोएगा क्या, तू तो लेट जाएगा। ठीक है, यहाँ आके चलिए बातों को ना बढ़ाते हुए मैं भाई साहब का एक जो इन्होंने गाना हम लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, चलिए भाई साहब देखिए। आज इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आज हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं और सड़कों पे बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री एसी में बैठे हुए हैं। तो सर आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्र निर्माता जब सड़क पे बैठेगा तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, राष्ट्र का भविष्य कहाँ जाएगा। तो हम यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो एक लाइन है कि भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और देखिए पढ़ते पढ़ते आज तीन साल साढ़े तीन साल से कितने अभ्यर्थियों का बाल भी झड़ गया, इसमें भी एक पंक्ति बनाया है कि पढ़त पढ़त झड़ गइल चानी पर के बाल, नौकरी अब ना मिलल। पढ़त पढ़त झड़ गइल चानी पर के बाल, नौकरी अब ना मिलल, जोहत जोहत बीतल तीन साल, नौकरी अब ना मिलल, जोहत जोहत बीतल तीन साल, नौकरी अब ना मिलल। एक और बात देखिए, आज हम लोग तीन साल से एग्जाम निकाल के बैठे हुए हैं और गांव नगर सब लोग को पता है कि हम लोग एग्जाम निकाले हैं, लेकिन सरकार के कारण से आज तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, आज तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। तो बाहर के भी लोग हैं ताना मारते हैं। तो एक और पंक्ति है, का हो बबुआ ज्वाइन कहिया करब मस्टरिया, का हो बबुआ ज्वाइन कहिया करब मस्टरिया, ताना मारे गौआ नगरिया जब निकली ला बहरिया, ताना मारे गौआ नगरिया जब निकली ला बहरिया। तो उसके बाद अभ्यर्थियों का नीतीश कुमार जी से मांग है, नीतीश चाचा कब देब नौकरिया, नीतीश चाचा कब देब नौकरिया, सीटेट बीटेट पास करके बानी बेरोजगार हो, सीटेट बीटेट पास करके बानी बेरोजगार हो। चलिए इसी बोल से मैं गाने को समाप्त करता हूँ, और भाई ने बहुत ही अच्छा प्रसंग दिया, शायद इनकी बहाली हो जाए, हम यही अनुकंपा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।